सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉक टू समूह और उसके बाद घंटी के निशान को क्लिक कीजिए ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारे वीडियोस। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल टॉक टू समूह। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वो टॉप 10 मूवीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो आपका फिल्मी ज्ञान और फिल्मी शौक अधूरा है। ये फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए और इन फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फिल्म देखना आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करूंगा फिल्म मुगले आजम की। ये मुगले आजम उस ज़माने की सबसे ज़्यादा महंगी फिल्मों से एक मानी जाती है और इसको डायरेक्ट किया गया था के आसिफ के द्वारा, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला, खूबसूरत मधुबाला के लिए ये फिल्म प्रसिद्ध है और इनके अभिनय के लिए जानी जाती है। और ये एक हिस्टोरिकल मूवी, ऐतिहासिक कहानी पर फिल्म थी, सलीम अकबर की और सलीम अनारकली की लव स्टोरी थी, जिसे 2013 ब्रिटिश एशियन में के न्यूज़पेपर में ग्रेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म के नाम से, महानतम बॉलीवुड फिल्म के नाम से इसको सर्वे में जाना गया। सेकंड नंबर में बात करेंगे आनंद की। आनंद बहुत अच्छी फिल्म थी, जिसे राजेश खन्ना की सबसे बेस्ट सबसे अच्छी अभिनय के लिए, सबसे अच्छी एक्टिंग के लिए अपन जान सकते हैं। और अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की एक्टिंग ने लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। ये एक खुश, ऐसे हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति की कहानी है, जिसमें उसे एक घातक बीमारी थी और जो हमेशा खुश रहता है। शोले की बात करेंगे थर्ड नंबर पर, जो कि सबसे ज़्यादा सफलतम फिल्म थी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी के अभिनय से सजी हुई फिल्म, जिसमें जो पहली फिल्म थी जिसमें गब्बर के रूप में अमजद खान को लोगों ने विलेन को ज़्यादा पसंद किया था और हमेशा बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ा इसने। अगर फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो मासूम फिल्म की बात करेंगे, शेखर कपूर के डायरेक्शन, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और जुगल हंसराज ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की बात करें तो इसने कई अवार्ड जीते और गुलजार के मधुर संगीत के लिए और गुलजार के लिरिक्स के लिए और आर डी बर्मन के संगीत के लिए इसको देखा जा सकता है। और बहुत अच्छी फिल्म जो हमेशा देखी जाने लायक है। इस फिल्म के बाद हम अगर पाँचवे नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर पे मैं बताऊंगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को, जिसे शॉर्ट नाम DDLJ के नाम से जाना गया, जो कि सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्म मानी जाती है। शोले के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म थी और यही फिल्म थी जिसे एक और स्टार मिल गया, इंडस्ट्री को सुपर स्टार मिला, शाहरुख खान। और शाहरुख खान के अभिनय और आसपास के इंडिया के और ब्रिटिश के देशकाल वातावरण और लव स्टोरी के लिए फिल्म देखी जा सकती है। सिक्स नंबर पर बात करें तो जाने भी दो यारो, ये फिल्म है कॉमेडी टाइप है, एक अजीब अलग सी कहानी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं गोलमाल फिल्म की। तो गोलमाल फिल्म भी कॉमेडी फिल्म है, जो अनमोल पालेकर और उत्पल दत्त की जोड़ी के को इसने प्रसिद्ध बना दिया, जो ऋषिकेश मुखर्जी की सफलतम फिल्मों में से एक मानी जाती है। और आर डी बर्मन के संगीत में आने वाला पल, ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आठवें नंबर पर बात करें तो लगान फिल्म की मैं बात करूँगा। लगान फिल्म जो है ब्रिटिश से टैक्स को और लगान को माफ़ करने के ऊपर एक स्टोरी है, जो कि सबके दिलों पर राज किया लगान फिल्म ने और सबको अच्छी लगी। ये लंबाई के कारण, फिल्म की लंबाई के कारण ऑस्कर से बाहर हुई, ऑस्कर नहीं लाने में असफल रही, लेकिन इसको पश्चिमी कई देशों में पसंद किया गया। और इसमें आमिर खान की अभिनय के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बात करेंगे दामिनी फिल्म की। दामिनी में एक गरीब
रेप विक्टिम के लिए ये फिल्म बनी है और इसमें कानून के सिस्टम पर और बहुत सारा बड़ा प्रहार है और एक आम आदमी की कहानी है जिसे आप ज़िंदगी की सच्चाई देखने के लिए जा सकते हैं। ज़िंदगी की सच्चाइयों से भरी हुई ये फिल्म है। सनी देओल मीनाक्षी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए इसमें इसे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला इन दोनों के लिए। लास्ट में बात करूंगा फिल्म कहानी की, जो कि संजय घोष ने डायरेक्ट की थी और ये फिल्म की बेहतरीन स्टोरी और विद्या बालन के अभिनय के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये थी वो टॉप 10 मूवीज़ जिसको ना केवल मैंने ही अच्छा माना है बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन फिल्म को बेस्ट फिल्म का माना गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद घंटे के निशान को क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलें समय पर हमारे वीडियोज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बाकी के लोगों के लिए बेनिफिशियल लगता हो उसको शेयर कर दीजिएगा। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।